आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। शक्ति कपूर ने हाल ही में बताया है कि शो बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं होता है, साथ ही उन्होंने बिग बॉस के अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर किया है। शक्ति कपूर बिग बॉस के 5वें सीजन में नजर आए थे, वो सिर्फ 28 दिन तक बिग बॉस के घर में रहे थे। एक बातचीत के दौरान शक्ति कपूर ने बताया, बिग बॉस में मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए किया था, घर के अंदर में ढंग से खेल नहीं पाया क्योंकि मैं बाकी कंटेस्टेंट की तरह लड़ाई नहीं कर पा रहा था, दूसरों पर चिल्ला भी नहीं पा रहा था। शक्ति कपूर ने आगे बताया, शो में मैं अपने बिस्तर के पास फैमिली की फ़ोटो रखकर सोता था, उन्हें देखकर लगता था कि अगर कुछ भी गलत करूंगा तो परिवार वाले मुझे बहुत मारेंगे। फ़ोटो देखकर ऐसा लगता था कि मानो फ़ोटो से उन लोगों की आवाज़ आ रही है और गलत करने पर वो मुझे डांट रहे हैं। कुल मिलाकर शो में रहना एक अच्छा एक्सपीरियंस था। शक्ति ने फिर बताया कि शो स्क्रिप्टेड नहीं होता है, वक्त के साथ चीज़ें होती चली जाती है। करीब 700 फिल्में कर चुके शक्ति कपूर ने हर तरह के रोल किए। पहली फिल्म मिलने का किस्सा यह है कि एक बार शक्ति कपूर कार से कहीं जा रहे थे, तभी उनकी कार एक मर्सिडीज से टकरा गई। मर्सिडीज एक्टर डायरेक्टर फिरोज खान की थी। शक्ति झगड़ा करने कार से उतरे, लेकिन जब देखा कि सामने फिरोज खान है तो गुस्सा ठंडा पड़ गया। उन्होंने झट से अपना परिचय फिरोज खान को दिया, उनसे काम मांग लिया। फिरोज उन दिनों फिल्म कुर्बानी की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने शक्ति को उसमें विलेन का रोल दे दिया। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ, धन्यवाद।